पूछा था, हमने पढ़ा क्या था लास्ट टाइम? हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था हमने? सर एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़े थे। ओके ओके फाइन, नो प्रॉब्लम। इंटीग्रेशन की होगी हमने, इंटीग्रेशन की थी ना ऐसे ही? ना बेटा जी सर, ठीक है बेटा, यही हमने किया था लास्ट टाइम। ओके ठीक है, यही था ना? जो आज की डेट में टॉपिक करना चाह रहे हैं, और वो टॉपिक जो है हमारे पास जिसको हम यूज़ करना चाह रहे हैं, वो सब्स्टिट्यूशन मेथड होगा। उसका नाम होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसका नाम होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हमारे पास जो नाम होगा वो होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड। सर आपकी आवाज़ फिर बहुत ही कम हो गई। मैं कह रहा हूँ मेथड का नाम होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। आवाज़ आ रही है आपको? जी आ रही है। ठीक है, यहाँ पर टॉपिक है जो पढ़ा जाना है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो हमारे पास सवाल क्या है? सवाल हमारे पास ये है, अगर हमने लिखा है यहाँ पर गेट बंद कर देना। अगर हमने यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स सर स्क्वायर, आपकी आवाज़ थोड़ी सी क्लियर नहीं है। अब ये है एक्स स्क्वायर, मैंने बेटा इसको चेक भी किया है मैंने, सही है। आई विल ट्राई कि इसको और हम इसको बढ़ा कर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। एक मिनट ज़रा ठहरे, मैं और देख लेता हूँ। मैं बेटा इसको लिख देता हूँ कि क्या है। अब बताइए, वेलकम सर। अब अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? आपको आवाज़ आ रही है? यस सर।
हेलो यस सर, आवाज आ रही है? आ रही है जी जी सर, किलो आ रही है। अब आ रही है, अब क्लियर आ रहे हैं, अब क्लियर आ रहे। अब आ रही है, सही, अब सही है जी सर, अब सही आ रही है। अब चेक करें, अब आ रही है सही। ठीक है, दिस इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल। This internet connection. This internet connection is. This internet connection is unstable right. अब हम इसको बड़ा इशू कर रहे हैं, बड़ाई को, और हमने इसको यहाँ पे कर दिया। This internet connection is. This internet connection is. Okay बेटा, अब हमारे पास क्या है? क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस के 4x क्वेश्चन है ये, और इसकी पावर है 5। ओके, और ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या है? हमने लिखा है 2x माइनस के 4 बराबर में लिखा है dx और dy। ठीक है, तो आपके लिए इसको सॉल्व करने के लिए लॉजिक क्या है? इसके अंदर ये जो पावर वाली ब्रैकेट है, यहाँ पे जो पावर है, इसके अंदर के जो कंटेंट्स हैं इसको हम u लेंगे। सही, तो स्टेप नंबर 1 इसमें क्या है? ब्रैकेट के अंदर वाले कंटेंट्स को हम यू लेंगे। ठीक है, और उसके बाद स्टेप नंबर 2, फिर इसी को हम जो है डी यू अपॉन इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। सही है, इसको हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे, तो डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू समथिंग, जो वैल्यू आएगी इसको मैप करेंगे किसके साथ? इसके साथ। ओके, और पॉइंट नंबर 3 के अंदर क्या करेंगे? This internet connection isn't strong enough at the moment. DU. This internet connection is. Okay. This internet connection is. DU. This internet connection is stable right. ये मेरे माइक से आ रहा है, आपके माइक से आ रहा है? This internet connection isn't reliable at the moment. Okay, DU बराबर है DX. Okay. This internet. इसके बाद जो कंडीशन होंगी वो हम उसको मैप करेंगे। ठीक है मेरा बेटा? Okay, is that okay? Yes, sir. Okay, अब हम यह क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। U बराबर है x स्क्वायर माइनस 4x, du अपॉन dx बराबर है 2x माइनस 4। डी यू बराबर है 2x माइनस के 4। किसका मोबाइल माइक बोल रहा है? सही, तो अब हमने क्या किया ये बताइए कि यहाँ पर ये पूरी टर्म को जो है, यहाँ पूरी टर्म जो है वो बराबर हुई डी यू के। आपने लिखा यू टू दी पावर 5 डॉट डी यू, जवाब इसका आया यू टू दी पावर 5 5 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1 प्लस ऑफ सी। अब बताइए कि u किसके बराबर है? बताइए u किसके बराबर है? x स्क्वायर माइनस 4x पावर 6 अपॉन 6 प्लस ऑफ सी आंसर आएगा सर। बेटा इसको लिख लो, उसके बाद मैं एक और फॉर्मूला करवाऊंगा और फिर हम कोशिश करेंगे कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट पहुंच जाए। बेटा आप लिख लो इसको। ओके सर, लिख लिया है सर। ठीक है, ओके। अब एक छोटा सा सवाल दे रहा हूँ मैं, जरा आप उसको बताइएगा मुझे। जरा बताइए करके,
एक्सक्यूज मी सर जी बोलिए सर, आपकी आवाज़ अभी भी यानी कि बिल्कुल प्रॉपर नहीं आ रही है, वो थोड़ा इको आ रहा है पीछे से और आवाज़ कम आ रही है, थोड़ा समझ में नहीं आ रही। अच्छा, अभी तो मैं ही कह रहा हूँ कि इसको कॉपी कर लीजिए और एक सवाल लिखा हुआ है, सवाल को करके बताइए। ठीक है सर, ओके। क्या है सवाल, क्वेश्चन ये है हमारे पास, u बराबर है x क्यूब माइनस के 4, du अपॉन dx बराबर है कितना, ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस के 3। आपने लिखा है du बराबर इस dx को आप यहाँ लिखें बराबर है 3x स्क्वायर डॉट dx। अब आपके पास क्या हो, इस टर्मिनोलॉजी के बगैर आप इसको रिप्लेस कर देंगे, आपने लिखा u टू दी पावर 7 डॉट du, इंटीग्रेट किया u की पावर 7 प्लस 1 अपॉन 7 प्लस 1 प्लस ऑफ। ठीक है मेरा बेटा, अब मगर हमारे पास u किसके बराबर था, u बराबर था x क्यूब माइनस 4 के, तो आपने लिखा यहाँ पर x क्यूब माइनस 4 पावर 8 अपॉन 8 प्लस ऑफ। ठीक है मेरा बेटा, सब में जी सर हो गया जवाब यही आ रहा है। अब हमारा क्वेश्चन है हमारे पास, मैं क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन है अंडर रूट 1 माइनस के एक्स डॉट डी एक्स, ये क्वेश्चन है हमारे पास।
इसको सॉल्व करना है। आप इसको ट्राई कीजिए, जहाँ गड़बड़ होगी मुझे बता दीजिए, मैं करवा दूँगा। बेटर है करके बताइए। बंद। हेलो। यस सर। जी बेटा। हेलो बेटा, इधर करके बताओ सवाल। सर कर रहे हैं। हेलो आवाज़ आप सही आ रही है? बताइए यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है क्या? यहाँ माइनस नहीं लिखा हुआ, इस माइनस को हम क्या करेंगे, यहाँ भी लिखेंगे। ठीक है बेटा, ये जवाब आएगा।
ओके बेटा, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ। वो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मुझे बताना है कि ये कैसे सॉल्व होगा, किस तरह से हम सॉल्व करेंगे, उसको हम क्या करेंगे, ठीक है। इसके अंदर आपके पास क्या वैल्यू हो रही है, लेट से हमने लिखा है यहाँ पर बताइए करके। प्लस सिक्स है, सिक्स दैट इज सिक्स। क्या है जवाब, क्या है? बता दी डेरिवेटिव क्या होगा उसका। सही, ओके। बेटा ठीक है, मुश्किल तो नहीं है इसमें। अच्छा, अब हम नेक्स्ट टॉपिक करना चाह रहे हैं, और नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे पास वो है आपके पास एलएन फंक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एलएन फंक्शन। पहले इसको कॉपी कर लीजिए आप, और मैं कुछ सवाल कुछ क्वेश्चन भी दे देता हूँ आपके पास, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं।
ठीक है बेटा, अब आप नेक्स्ट टॉपिक मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको बस होमवर्क के लिए, या आप मुझे करके बताइएगा। पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है, आपके पास ये लिखा हुआ है 7 - 3x⁴। उसके बाद है आपके पास यहाँ पर ds और ये। तीसरा सवाल है हमारे पास क्वेश्चन है, ये हमारे पास dx/4 - 8x। तीसरा सवाल है हमारे पास अंदर 1 - x² x. ये सवाल है, और चौथा सवाल है हमारे पास ये है e^2x + 1 e^2x. ठीक है, और क्वेश्चन है तो ये चार सवाल है और इसको आप करके देखिएगा, मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है, नहीं होते तो मैं आपको खुद करवा दूंगा, मैं मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है। ठीक है, आप कॉपी कर लीजिए इसको। सर ये e की पावर z है ना या क्या है? e की पावर 2x है, पावर 2x है। अगला टॉपिक शुरू करें, कॉपी कर लिए साथ में? यस सर। अंदर ये एक ऑफ हो जाएगा, तो हमारा टॉपिक है ln फंक्शन। तो हमारा टॉपिक है ln फंक्शन, जो हमें इसको करना है। तो हमारा टॉपिक का नाम है ln फंक्शन, मैं आगे लिख देता हूँ ln फंक्शन।
हेलो जी, आ गए हैं कुछ और लोगों ने भी आना है। अच्छा, एलन फंक्शन का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास है, एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल एन ऑफ एक्स प्लस ऑफ सी। ठीक है बेटा, ये फार्मूला है हमारे पास, एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल एन एफ ऑफ एक्स प्लस सी। बेटा ये लिख लो, क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन हम लिखते हैं कि अगर उसका डेरिवेटिव ऊपर हो, अब लिखा हुआ है यहाँ पर एक्स स्क्वायर, ऊपर लिखा हुआ है हमारे पास 2x, सही। मैं समझाने के लिए यहाँ पर लिख रहा हूँ, u बराबर है एक्स स्क्वायर, du अपॉन dx इज इक्वल टू 2x, du बराबर है 2x डॉट dx। अब देखिए ये टर्म उसके ऊपर लिखी हुई है इसके इक्वल, अब आपने लिखा यहाँ पर इज इक्वल टू, यहाँ लिखा है डी यू, यहाँ पर लिखा है यू। देखें अब आपके पास यू क्या है, ये है, ये क्या है, जवाब यू का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है तो जवाब होगा एल एन ऑफ यू प्लस ऑफ सी, यानी एल एन यू किसके बराबर है, यू बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ सी। ये आपने जो है इसको ऐसा करना, जी ज़रा बताइए करके लिख लीजिए इसको फटाफट, ओके। उसके बाद दूसरा सवाल मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लिखता हूँ, ये है हमारे पास डी एक्स अपॉन एक्स, एक सवाल है, दूसरा सवाल है हमारे पास, और एक्स स्क्वायर माइनस के 2x, ऊपर लिखा हुआ है 2x माइनस के 2 डॉट डी एक्स। दो सवाल है ज़रा बताइए करके, जरा बताइए सवाल करके। अच्छा, और आज आपका पेपर भी है, जिन्होंने फर्स्ट मिड टर्म जो है बिग टेस्ट मिस किया था, तो आज जो है वो 9:30 से 10:30 तक का पेपर है आपके पास। ठीक है, मैं ग्रुप पे भी लिख देता हूँ उसको, तो दोस्त वो है वेस्ट।
उल्टा करके बताओ। बेटा जरा करके बताओ ये क्वेश्चंस कौन से वाले में। फर्स्ट में क्यों? चलो मैं करवा देता हूँ। सेकंड क्वेश्चन करो। सेकंड क्वेश्चन बेटा जल्दी करता हूँ करके मुझे आगे भी करवाना है। ओके बेटा मैं तो करवाता हूँ क्वेश्चन को कि कैसे हम करेंगे और कैसे हुआ यहाँ पे। पहला क्वेश्चन हमारे पास है एक्स का डेरिवेटिव डी एक्स। पहला क्वेश्चन हमारे पास एक्स, देखो एक्स का डेरिवेटिव डी एक्स उसके ऊपर ही लिखा हुआ है, तो हम लिखेंगे एल एन ऑफ एक्स प्लस ऑफ सी, ये आंसर हो जाएगा पहले वाले का। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास टू एक्स माइनस के टू अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस के टू एक्स डॉट डी एक्स। ओके अब बताओ यू क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स। डेरिवेटिव क्या होगा? 2x माइनस के 2 की डेरिवेटिव होगा। तो आपने क्या किया है यहाँ पर, du बराबर है 2x माइनस के 2 डॉट dx, ठीक है। तो हमने लिखा यहाँ पर du अपॉन u, जवाब हुआ हमारा ln u प्लस ऑफ c। अब बताओ u की वैल्यू क्या है? x स्क्वायर माइनस 2x प्लस ऑफ c आंसर हो गया उसका। बेटा लिख लो उसे। जिन्होंने ये कर लिया था उनके लिए और क्वेश्चन है मेरे पास। तो ये क्वेश्चन नंबर वन आपने लिखा यहाँ पर
वन माइनस के एक्स बाहर है डी एक्स। क्वेश्चन नंबर टू, आपने लिखा यू एक्स, बेटा रिकॉर्डिंग पर है, वन माइनस के एक्स स्क्वायर। तो तीसरा सवाल, ये तीन सवाल है, जरा बताइए करके। सवाल जरा बताइए करके, बेटा मैं क्वेश्चंस करवाता हूँ, क्वेश्चंस करवाने के बाद मैं आपको कुछ और क्वेश्चन देता हूँ, वो आप मुझे 1 बजे तक जो है टर्न इन कर देंगे, सही, और उसके फिर मार्क्स होंगे, तो वो क्लास असाइनमेंट के मार्क्स होंगे उसके अंदर, सही है। तो आप ये मुझे कर दीजिएगा तो ये आपके लिए फ़ायदा होगा, ठीक है। तो अभी मैं इन क्वेश्चन को करवा देता हूँ, बता भी देता हूँ कि जवाब ये कैसे आएंगे, ठीक है। पहला वाला सवाल आपको करवा देता हूँ, पहले वाले सवाल में आपने क्या किया, यू लिया आपके पास, यू लिया आपके पास जो कि वन माइनस एक्स, डी यू अपॉन डी एक्स हो गया हमारे पास जीरो माइनस के डी एक्स अपॉन के डी एक्स जो कि वन हो गया। डी यू बराबर है माइनस के डी एक्स, ऊपर देखो माइनस मौजूद नहीं है तो ये माइनस हम उठाकर यहाँ ले आएंगे, माइनस के डी यू बराबर डी एक्स, सही। अब आपके पास जो जवाब आएगा वो ही आएगा माइनस डी यू अपॉन यू, बेटा जवाब क्या है, माइनस के एल एन यू प्लस ऑफ सी इज इक्वल टू माइनस के एल एन यू किसके बराबर है,
वन माइनस एक्स है और ये प्लस सी के जवाब है इसका, ये पहले का जवाब आ गया हमारे पास। ठीक है, दूसरे सवाल का जवाब जो है हमारे पास कैसे होगा मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर टू है हमारे पास, u बराबर है कितना, वन माइनस के एक्स स्क्वायर, डी यू अपॉन डी एक्स बराबर है जीरो माइनस के टू एक्स, डी यू इज इक्वल टू जीरो माइनस के टू एक्स डॉट डी एक्स। ठीक है, ये माइनस यहाँ पे एक्स्ट्रा है, इस माइनस को उठा के क्या लेंगे, यहाँ पे लेंगे माइनस डी यू बराबर है टू एक्स डॉट डी एक्स, ये पूरी टर्म मिल गई हमें ऐसे की। तो आपने यहाँ पर लिखा, यहाँ पर आपने लिखा इसको, हाँ यहाँ आपने लिखा माइनस के डी यू अपॉन यू इंटीग्रल, जवाब हो गया माइनस के एल एन यू प्लस ऑफ सी। अब बताओ यहाँ पर यू किस बराबर है, यू बराबर है हमारे पास वन माइनस के एक्स स्क्वायर, ये प्लस सी जवाब है। ठीक है मेरा बेटा, यहाँ पर दो सवाल हो गए। तीसरा सवाल हमारे पास क्या है, तीसरा हमारे पास सवाल ये है कि u बराबर है कितना, du अपॉन डी एक्स कितना हो गया हमारे पास 4x क्यूब प्लस वन जीरो। सही, अब हमने क्या किया, अपनी मर्जी से यहाँ पर लगाया 4 वन अपॉन 4, तो बैलेंस किया यहाँ पे, तो जवाब हमने लिखा वो लिखा एल एन वन अपॉन फोर एल एन एक्स फोर प्लस फोर प्लस, इसका जवाब हमने यहाँ लिख दिया। अब बेटा आप इसको लिख लीजिए ताकि फिर मैं आपको असाइनमेंट दूँ और असाइनमेंट पे आप काम करें। सर ये लास्ट वाला क्वेश्चन से समझ नहीं आया सर, नंबर थ्री आप करेंगे तो समझ में आएगा ना, मैं किए ही नहीं होगा, आप देख रहे होंगे बेटे ऐसे ही है। देखिए जो पानी में उतरता है उसे पता लगता है पानी की गहराई क्या है, बाहर से खड़े खड़े तो लोग अंदाजा लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री किया किसी ने, पहली बात ये कि आप मुश्किल सवाल आसान हो मुश्किल हो जो भी कुछ आपको अटेम्प्ट जरूर करें। क्वेश्चन है हमारे पास एक्स क्यूब, ये एक्स क्यूब डॉट डी एक्स अपॉन एक्स टू की पावर फोर।
अब आप u बराबर कितना du अपॉन dx इज इक्वल टू 4x क्यूब प्लस ऑफ 0 du बराबर है 4x क्यूब डॉट dx। अब मुझे बताइए यहाँ 4 लिखा है, इस जगह पर 4 लिखा है, मुझे बताएं जरा सही है। आपने 4 नहीं लिखा तो आप क्या करेंगे कि ये 4 एक्स्ट्रा है इसको यहाँ पर ले जाएंगे। ऊपर लिखा है एक्स क्यूब डॉट डी एक्स, एक्स क्यूब डॉट डी एक्स 4 एक्स्ट्रा है, इस एक्स्ट्रा को हम कहाँ लेके जाएंगे, इसको हम यहाँ पर ले जाएंगे। तो ये हो गया हमारे पास डी यू अपॉन 4 इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है बेटा। अब हुआ क्या हमारे पास, हमने लिखा यहाँ पर 1 अपॉन 4 डॉट डी यू डॉट अपॉन यू, जवाब आया हमारे पास 1 अपॉन 4 एल एन यू प्लस ऑफ सी, यानी 1 अपॉन 4 यू किसके बराबर है, एक्स 4 प्लस 4 प्लस सी, ठीक हो जाएगा, ठीक है मेरा बेटा। इसको जल्दी से आप कर लीजिए, मुझे आपको क्वेश्चन देने हैं, फिर आप जो है वो इसको 1 बजे तक ये टर्न इन करवाइएगा, मैं भी क्लास में ओपन कर देता हूँ, ठीक है मेरा बेटा। इसके मार्क्स होंगे, ग्रेड्स होंगे, जो आपको भी असाइनमेंट दूंगा उसको आप करके बताइएगा कि क्या होगा इसका। बहुत तेज़ नहीं भगा रहे क्लास को, क्लास को बहुत नॉर्मल पेस में लेके चल रहे हैं ताकि बच्चे जो हैं उसको समझ भी सकें, सीख भी सकें, और सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस करवा रहे हैं। क्वेश्चंस में जंप नहीं है कि एक सवाल बहुत मुश्किल है, एक सवाल बहुत आसान, ऐसा नहीं कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ एक जैसे क्वेश्चन जो हैं उसको करवा दें। कुछ क्वेश्चन हैं, नंबर वन हमने लिखा e टू दी पावर 5x डॉट एक्स, ये सवाल हमने लिखा e टू दी पावर 2x अपॉन e टू दी पावर 2x प्लस 1 दूसरा सवाल, तीसरा सवाल लिखा हमने 1 माइनस एक्स पावर 4 डी एक्स, चौथा सवाल लिखा हमने चौथा सवाल लिखा हमने एक्स स्क्वायर प्लस 8x पावर 11 डॉट 2x प्लस, पांचवा सवाल लिखा हमने ये सब अंडर रूट एक्स, यहाँ लिखा हम 3। ये पांच सवाल है, पांच सवाल आप ज़रा इसको लिख लीजिए और फिर मैं इसको और उस पर गूगल क्लास में असाइनमेंट वहाँ पर दे रहा हूँ, ठीक है मेरा बेटा। हेलो बेटा क्वेश्चन लिख लीजिए, आपको आवाज आ रही है, मेरी आवाज आ रही है बेटा। ये पांच क्वेश्चन लिख लीजिए, ये क्लास असाइनमेंट है, मैं अभी गूगल में इसको लाइव कर रहा हूँ।
ये सबने बेटा सबने लिख दिया ओके। अब मैं क्या कर रहा हूँ उसको मिनिमाइज कर रहा हूँ और मैं करने के बाद आपको गूगल क्लास अपडेट कर रहा हूँ। अटेंडेंस आपने लगा दी अटेंडेंस आपने लगा दी है नो सर क्यों नहीं हो रही शो ऐसा हो क्या सकता है ऐसे कैसे हो सकता है बेटा नहीं हो रही इशू कैसे हो सकता है ऐसा मैं दोबारा देखता हूँ स्केड्यूल कर लो और क्लास असाइनमेंट के अंदर कुछ भी नहीं आपने जो लिखा है ये आप खुद ही इसको जो है वो सॉल्व करेंगे उसका इमेज लेंगे और उसको टर्निंग कर देंगे ठीक है मेरा बेटा जी। अच्छा ऑनलाइन क्लास अटेंडेंस बेटा है तो उसमें मैं दोबारा अटेंडेंस को जो है लाइव कर देता हूँ ठीक है तो आपको मैं 12:50 पे लाइव कर रहा हूँ उसको ठीक है 12:50 से मैं उसको लाइव कर देता हूँ पीएम में आ गया ये अब हो जाएगी लाइव ओके। मैंने गलती ये की कि उसको एएम नहीं किया पीएम ही कर दिया अभी आ जाएगी अटेंडेंस ठीक है। आप अपने अटेंडेंस को मार्क कीजिएगा असाइनमेंट है इसको बना के मुझे टर्न इन कर दीजिएगा और बस यही मैं कहना चाह रहा हूँ ठीक है मेरा बेटा ठीक है ओके सर ओके। तो मैं ये क्लास को मैं ऑफ कर रहा हूँ।